खबर गुड़गांव से। दिल्ली से लगे गुरुग्राम से एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां पुलिस टीम ने ऐसी वसूली गर्ल को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जो डेटिंग ऐप के जरिए नौजवान युवकों को प्रेम जाल में फंसाकर पहले उनके साथ फिजिकल होती थी और फिर शुरू करती थी ब्लैकमेलिंग और वसूली का खेल। वो इन लड़कों के खिलाफ पुलिस में फर्जी शिकायत की बात बोलकर लाखों लूटती थी। इस पूरे खेल में गिरफ्तार युवती की मां और उसका साथी भी शामिल था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी युवती साल भर में कुल 7 युवकों के खिलाफ राजेंद्र पार्क, न्यू कॉलोनी, थाना शहर, थाना सदर, सेक्टर 10, सिविल लाइंस, डीएलएफ फेज 1 और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दुष्कर्म के मामले दर्ज करवा चुकी है। इसमें 2 मामले पुलिस या तफ्तीश में झूठे पाए गए हैं। लड़की ने पूरे 15 महीने में 8 लड़कों के खिलाफ रेप केस दर्ज कराया है। पुलिस द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, ये तो सिर्फ 8 पुरुष, वो भी एक महिला द्वारा झूठे रेप केस के शिकार हुए हैं। ऐसे और कितने पुरुष होंगे जो झूठे रेप केस के शिकार हुए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। मैं आखिरी में सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या महिलाओं को यह अधिकार है कि रेप कानून का दुरुपयोग करे, लड़कों से लाखों करोड़ों रुपए ऐंठने का झूठी एफआईआर दर्ज कराए? सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, करवाया है न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन में कि उनका बेटा एक किराए का मकान ढूंढ रहा था और जिसमें किसी का फोन नंबर लगा डिस्प्ले कर रखा था, जिस पे बातचीत करके और मकान लिया, तो उसके बाद उसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उस पे लगातार दबाव बनाया कि या तो मेरे से शादी कर या पैसे दे, नहीं तो मैं तेरे खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज करवा दूंगी। और इस तरह की जब बात सिरे नहीं चढ़ पाई कि लेजर वैली में एक मीटिंग हुई, उसमें भी इस तरह की शर्त रखी गई और वो जब सक्सेस नहीं हो पाई तो उन्होंने डीएलएफ फेज 3 में उसके खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज करवा दिया, जिसके संबंध में शिकायत देने पे हमने केस रजिस्टर करके और इसकी इन्वेस्टिगेशन न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन द्वारा की गई। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो नाम की लड़की थी जो जबरदस्ती शादी करने के बदले या तो पैसे मांग रही थी, और उसको हमने गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ पे उसने बतलाया है कि इस तरह के वो पहले भी 7-8 केस दर्ज करवा चुकी है, जो इस कंप्लेंट में भी इस तरह के एलिगेशन थे कि भी वो पहले भी 7-8 केस दर्ज करवा चुकी है इसी तरह से एक्सटॉर्शन के लिए, और पैसे ना मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई कराती है, नहीं तो कैंसिल भी करवा देती है। इस तरह का इनका एक लंबा चौड़ा सिंडिकेट था जिसमें उसकी मदर भी और एक नरेंद्र यादव नाम का व्यक्ति भी शामिल था। तो अभी हमने गिरफ्तार किया है जिसको आज हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसमें जो बाकी आरोपियां हैं उनकी भी तलाश की जा रही है और हमें उम्मीद है बहुत जल्द उनको भी हम गिरफ्तार करने का।